हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लुमिनस क्लासेस। आई एम अभिनव सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे नरेशन की। जी हाँ, नरेशन। आपको लगता होगा कि नरेशन तो पढ़ चुके हैं हम लोग, कई वीडियोस आ चुके हैं नरेशन पे, फिर कौन सी वीडियो आएगा। अब नरेशन में कुछ नया होने वाला है, यानी इस वीडियो में हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। यानी एक ही वीडियो में आपको टोटल नरेशन देखना है, टोटल नरेशन देखने को मिलेगा। क्लियर? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज। आप लोग पेशेंस बना के रखिए, है ना, और देखते रहिए ये वीडियो नरेशन का। ठीक है, इसको आज हम लोग कोशिश करेंगे, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन आज एक ही क्लास में, एक ही बैठक में पूरे नरेशन को कंप्लीट करेंगे। क्लियर? आप सब सहमत हैं, एग्री हैं आप लोग? चलिए, अगर आप लोग रेडी हैं तो फिर देखिए। इसको कहता है नरेशन। नरेशन कम्स फ्रॉम नरेट वर्ड। कहाँ से आता है नरेशन? नरेट वर्ड से आता है। द मीनिंग ऑफ नरेट इज टू स्टेट। टू स्टेट का मतलब कहना, ना कि राज्य। क्लियर? नरेशन का मतलब, नरेट का मतलब क्या हो जाता है? कहना। यहीं से बनता है नरेशन। इसी से बना क्या? टू स्टेट, यानी नरेट से ही बनता है नरेशन। तो नरेशन का मतलब हो गया कथन, यानी जो भी बात कही गई वो क्या बन गया? नरेशन बन गया, कथन बन गया। कही हुई बात को हम लोग नरेशन कहते हैं, यानी कथन कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, फैन चलाना पड़ा। देखिए, अब कहता है कि नरेशन, कोई भी बात कही हुई बात को क्या कहते हैं? नरेशन। ये नरेशन जो है दो तरह के हुआ करते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। एक को बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा हुआ करता है, इनडायरेक्ट स्पीच। बात समझ में आ रही है? नरेशन दो तरह के, एक डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यानी कोई भी बात हो, कोई भी बात कही गई बात, वो क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है, कथन कहलाता है। अब कोई जो कथन होगा, कोई जो बात होगी, किसी भी बात को कहना वो कथन कहलाया। यानी हम किसी भी बात को दो तरीके से कह सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के ज़रिए भी हम किसी बात को कह सकते हैं, और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच के ज़रिए भी किसी बात को कह सकते हैं। क्लियर? अब आइए, नरेशन डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है। चलिए, उससे पहले हम लोग ये जान लें कि नरेशन में जो है ना, इसमें एक यूज़ होता, वर्ड यूज़ हुआ करता है। एक होता है स्पीकर। कौन? स्पीकर। दूसरा होता है लिसनर, यानी ऑडियंस। और तीसरा होता है रिपोर्टर। ये तीन लोग काम करेंगे इसमें, किसमें? नरेशन में। ठीक है, खास करके डायरेक्ट स्पीच में तो तीन लोग चाहिए। अब देखिए, तो नरेशन यानी कोई भी बात को हम लोग दो तरीके से कह सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट स्पीच के ज़रिए कह सकते हैं कहेंगे, या फिर इनडायरेक्ट स्पीच के ज़रिए हम किसी भी बात को कहेंगे। क्लियर? अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? डायरेक्ट स्पीच की अगर हम बात करें, तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि स्पीकर की कही हुई बात। सिर्फ समझना है, लिखना कम है। डायरेक्ट में क्या होता है कि स्पीकर भी, स्पीकर की कही हुई बात, यानी टू कॉपी ऑफ स्पीकर, स्पीकर की टू कॉपी रख देना क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी आप ये जानिए कि किसी भी बात को जैसे स्पीकर ने, किसी भी बात को जैसे स्पीकर ने कहा, स्पीकर के ही अंदाज में, स्पीकर के ही स्टाइल में उस बात को अगर हम रख देते हैं किसके सामने? ऑडियंस के सामने, तो वो क्या कहलाता है? वो सेंटेंस, वो बात डायरेक्ट स्पीच में कहलाता है। ठीक है, किसमें कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच में। और दूसरी तरफ आता है, या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्पीकर्स स्टाइल, क्या कह सकते हैं? स्पीकर्स स्टाइल,
या स्पीकर्स टू कॉपी, टू कॉपी, स्पीकर्स टू कॉपी बोल सकते है ना, टू कॉपी करना यानी नकल करना, स्पीकर को क्या करना, नकल यानी हम कह सकते हैं कि स्पीकर की, स्पीकर की कही हुई बात वो क्या कहलाएगा। चलिए ये भी नहीं आएगा समझ में, ये जानिए कि स्पीकर की बात यानी स्पीकर जैसे जो कुछ भी कहा उसको उसी अंदाज में, उसी टाइप में रख देना, उसी स्टाइल में रख देना, वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे कोई कुछ बोलता है तो आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्यों, प्रूफ के वास्ते कि जैसे जैसे तुम बोले हो वैसा ही यहाँ रिकॉर्ड है, बात समझ में आ रही ना। तो वैसे ही क्या होता है कि जैसे जैसे स्पीकर बोला वैसे ही ला कर के बोलना या लिख देना वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब इनडायरेक्ट स्पीच को जानिए, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है यानी इसमें जो है इसमें रिपोर्टर का स्टाइल होता है, रिपोर्टर्स ऑन स्टाइल यानी रिपोर्टर का अपना अंदाज, अपना स्टाइल होता है, रिपोर्टर अपने अंदाज में बोलेंगे। क्लियर। जैसे देखो डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जांपल देख लो, जैसे अगर हम बात करें ही सेड टू, ये देखो ये बात जो कह रहा है कोई रिपोर्टर कह रहा है, आपको सुना रहा रिपोर्टर, ठीक है। अब रिपोर्टर क्या कह रहा है ही के बारे में, ही मान लो कोई नाम दे दो, ही कोई जगह साहिल कर दो, साहिल स्पीकर हुआ, साहिल क्या हुआ, स्पीकर हुआ। तो ही सॉरी कोई रिपोर्टर आपको, कोई सुनाने वाला आपको सुना रहा है क्या कि साहिल मुझसे कहा, साहिल मुझसे कहा, क्या कहा, साहिल ऐसा कहा कि आई लाइक योर, आई लाइक योर फैमिली, मुझे तुम्हारा परिवार जो है वो अच्छा लगता, आई लाइक योर फैमिली, है ना। अब देखिए ये बातें जो कहा ना, ये बातें कौन कहा, ये जो कुछ भी कहा ये साहिल ने कहा है, साहिल ही स्पीकर हुआ। अब साहिल जैसा जैसा बोला वैसा ही ला करके सुनाने वाला, आपको खबर देने वाला सुना रहा है कि साहिल ने मुझे ऐसा कहा, है ना। तो यही कहलाया आपका डायरेक्ट स्पीच, यही क्या कहलाया, यही कहलाया डायरेक्ट स्पीच यानी DS, ठीक। अब इसी बात को साहिल ने क्या कहा था किसी से, साहिल ने किसी से क्या कहा, मान लीजिए कि मुझसे ही साहिल ने कहा, क्या कहा कि आई लाइक योर फैमिली, ऐसा कहा। अब उसी की बात को, है ना, रिपोर्टर जो भी सुना रहा, मान लीजिए कि मैं सुना रहा हूँ आपको, तो मैं ही आपको बताऊँगा अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में क्या बताऊँगा कि साहिल टोल्ड मी दैट ही लाइक्ड माई फैमिली। ये हो गया, यहाँ पे साहिल ने कहा था इंग्लिश में कि मैं तुम्हारे परिवार को, आई लाइक योर फैमिली, मैं तुम्हारे परिवार को पसंद कर रही, यानी तुम्हारा परिवार मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमने अपने स्टाइल में कहा वही बात, क्या कहा कि साहिल मुझसे कहा कि उसे मेरा परिवार अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। क्लियर। तो ये कहलाया इनडायरेक्ट स्पीच, और वही बात यहाँ था डायरेक्ट स्पीच, और उसी बात को यहाँ पे किस में रखा, इनडायरेक्ट स्पीच में। क्लियर, समझ गए यहाँ तक। फिर एक बार मैं आपको बता दूँ कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब हुआ कि जो बात क्या बोलते हैं, स्पीकर जैसे बोला
वैसे ही टू कॉपी रख देना स्पीकर की बोली हुई बात को, जैसे जैसे स्पीकर बोला वैसे ही रख देना डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब हुआ कि स्पीकर की बोली हुई बात को अपने अंदाज में, है ना, अपने स्टाइल में बयान करना, बोलना, बताना, वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, यानी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का तरीका जानना है ना, उसको सीखना है कि कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें सेंटेंस के बारे में जानना होता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अगर आपको नहीं मालूम कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, है ना, कैसे जानेंगे कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है, तो आप, है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टाइप्स ऑफ सेंटेंस का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर के वीडियो को देख लीजिए। सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस, हर तरह के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, उसको देख लीजिए, फिर आपको नरेशन समझने में आसानी होगी। और हाँ, एक और आपको लिंक मिलेगा, यानी क्या कहते हैं उसको, केस का। केस जब तक नहीं सीखेंगे आप, तब तक नरेशन आपका कंप्लीट नहीं हो सकता। तो डिस्क्रिप्शन में ही केस का भी लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के वहाँ से डिस्क्रिप्शन से, है ना, क्या कहते हैं कि वीडियो को देख सकते हैं, केस से रिलेटेड केस वाला वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद फिर आपका नरेशन और आसानी से बनेगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे इसको। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में एक टाइप होता है सेंटेंस का असर्टिव टाइप। क्या होता है? असर्टिव टाइप सेंटेंस। जब सेंटेंस हमारा असर्टिव टाइप का होगा, चलिए उससे पहले एक बात कर लेते हैं, हम लोग एक सेंटेंस ले लेते हैं कि जैसे डायरेक्ट स्पीच की सीखना क्या है हम लोगों को, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का तरीका, यानी कैसे बदलेंगे। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच की अगर हम बात करें तो ही सेज टू मी आई एम योर वेल विशर शुभचिंतक। आई एम योर वेल विशर। अब देखिए, इतनी बात, ये वाली बात जो है किसी स्पीकर ने कहा, कहने वाले ने कहा, क्या कहा कि मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ, यानी मुझसे किसी ने कहा कि मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ, आई एम योर वेल विशर। कौन कहा? ही कहा। अब देखिए, ये ही सेंटेंस कहलाया डायरेक्ट स्पीच का। क्या कहलाया? डायरेक्ट स्पीच का। और ये जो डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस है, इसका देखिए गौर से, इसके दो पार्ट हैं। कितने? दो। देखो कौन कौन, एक है ही सेज टू मी, दूसरा है आई एम योर वेल विशर। तो याद रखना कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो दो पार्ट में बटा होता है। इसको कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट, और इसको कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट। ठीक। अब देखो, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये सेल्स जो है ना, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, इसी वर्ब को असल में रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। और ये मी जो है ऑब्जेक्ट है, इस मी को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और ये ही जो है, ये सब्जेक्ट है, इसे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहा जाता है। तो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कम करते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट। क्लियर? और ये जो है, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया पूरे, ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, ये रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट हो गया, जो भी, ये रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब हो गया। क्लियर? तो डायरेक्ट स्पीच जो है हमारा दो पार्ट में बटा होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? तो याद रखना है, हमें यहाँ क्या सीखना है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए सीखना है। तो याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हमें इस सेंटेंस को बदलना है, तो याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट बदलता है। कौन बदलता है? सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट बदलता है, ना कि रिपोर्टिंग वर्ब वाला। तो रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट नहीं बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में सिर्फ और रिपोर्टिंग वर्ब ही बदलता है। जैसे हमने कहा कि से हमारा क्या है, सेज क्या है, वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब, सिर्फ यही बदलता है, कभी बदलता है कभी नहीं बदलता है, मतलब अगर बदलेगा भी तो यही बदलेगा। जबकि रिपोर्टेड स्पीच में वक्त आने पर हर कोई बदलता है, है ना, पर्सन बदलेगा, वर्ब बदलेगा, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलेगा। क्लियर? यहाँ तक समझ गए? तो डायरेक्ट स्पीच कितने पार्ट में बटे होते हैं? दो पार्ट में। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट। तो हमने क्या कहा, बदलता कौन है? रिपोर्टेड स्पीच बदलेगा इनडायरेक्ट स्पीच में, बल्कि सिर्फ वही बदलेगा, ना कि
रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट, क्लियर? नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ पर्सन है ही मी, यहाँ है आई योर, है ना, तो ये इधर का पर्सन बदलेगा, इधर का पर्सन नहीं बदलता। लेकिन एक और बात, बदलेगा तो ये, लेकिन इसके जगह पे आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा, इसके अनुसार ये सब बदल जाएगा। यानी रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट, रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन जो बदलता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के पर्सन के अकॉर्डिंग बदलता है, क्लियर? चलिए अब देखना है हमें, हमने क्या कहा कि सेंटेंस हमारे कई टाइप के होते हैं, जिसमें एक टाइप होता है असर्टिव टाइप। क्या होता है? असर्टिव टाइप सेंटेंस। जब सेंटेंस हमारा असर्टिव टाइप का होगा, ठीक है, तब क्या होता है, तब जो है रिपोर्टिंग वर्ब में जो से या सेज आता है, से या सेज आता है, वो टेल या टेल्स में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? टेल या टेल्स में बदल जाता है। उसके बाद क्या बचा? और इधर कुछ नहीं बदलता है। उसके बाद ये जो इन्वर्टेड, इसको क्या बोलते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारा वो इन्वर्टेड कामा में बंद रहता है। किस में रहता है बंद? इन्वर्टेड कामा में। और इन्वर्टेड कामा के बारे में कहा जाता है कि इन्वर्टेड कामा इज़ अ सेफ प्लेस, या कह सकते हैं कि इन्वर्टेड कामा इज़ लॉकर। लॉक करते हैं ना, ये लॉकर है हमारा, किसी भी चीज़ को जैसे बंद रखते हैं हम लोग, सुरक्षित रखते हैं, सेफ रखते हैं, वैसे ही इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी सेंटेंस आ गया वो समझो तो सेफ है, सुरक्षित है, बिल्कुल क्लियर। चलो अब देखना है कि ये किस में है, इन्वर्टेड कामा के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के बदले में, इन्वर्टेड कामा के बदले में दैट का यूज़ करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। बाकी एक और रूल है वो याद रखनी है, वो क्या है, SON, है ना, और 1 2 3, ये सिंपल रूल है, इसको याद रखना है, SON, सन और 1 2 3, क्लियर, इसी को याद रखना है। S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, N का मतलब नो चेंज, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज, क्लियर। चलो ये बदलने का तरीका हुआ, अब इसको हम लोग बदल के देखते हैं, इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में। क्या कहा कि ये बदलता डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट बदलता नहीं है, ही है तो ही रह जाएगा, सेज के बदले में सिर्फ क्या लिखना है, टेल्स लिखना है, टेल्स। उसके बाद अब देखिए क्या आ गया, मी, और कुछ चेंजिंग नहीं करना, मी, लेकिन उससे पहले क्या है, टू। इनडायरेक्ट स्पीच में जैसे ही टेल लगता है, टेल या टेल्स, तो टू हट जाता है, टू हट गया तो क्या बचा, मी। अब लीजिए इन्वर्टेड कामा के बदले में दैट का यूज़ करेंगे, इन्वर्टेड कामा के बदले दैट का यूज़ करते, उसके बाद क्या बचा, आई। अब देखो ये बदलेगा, ये सब कुछ, ये जितने भी पर्सन है यहाँ पे, यहाँ तो टेल्स भी बदलता है, है ना, यानी वर्ब भी बदलता है, पर्सन भी बदलता है, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदलता है, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल सिर्फ और सिर्फ पर्सन बदलने की कोशिश करेंगे। किसको बदलेंगे? पर्सन को। तो पर्सन हमारा क्या है, आई। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? हमने कहा ना, केस जाकर के आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के केस का लिंक ले लीजिएगा, उसके बाद वीडियोज़ को देख लीजिएगा, केस से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, ताकि ये समझने में आसानी हो। चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ, आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या हमारा, सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही। सब्जेक्ट क्या हमारा, ही। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, ये नॉमिनेटिव केस है तो ही भी नॉमिनेटिव, केस कभी बदलता नहीं है, केस केस सेम रहेगा, तो दैट ही। अब आई के साथ एम, तो ही के साथ इज। उसके बाद योर सेकंड पर्सन, योर कहाँ से बना, यू से, यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन देखो, टू का मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, कौन से ऑब्जेक्ट, यानी इस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, रिपोर्टिंग वर्ब वाला ऑब्जेक्ट का। तो मी है, अब देखो ये मी है, योर के जगह मी आएगा, कौन आएगा, मी, लेकिन ये किस केस में है, ये है हमारा पजेसिव केस में, तो मी का पजेसिव केस माई, बचा क्या, वेल विशर, क्या हो जाएगा, माई वेल विशर, क्लियर। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, आई लाइक यू,
तो देखो अब हमने क्या कहा, ये बदलता नहीं है, सोनी है तो सोनी ही रहेगा। सीएच को सिर्फ किस में बदलेंगे, टेल से में बदलेंगे। और फिर हम लोगों ने क्या देखा, जब टेल आता है तो टू हट जाता है, बचा कौन, सोना, टेल सोना, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट आ जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सोनी। देखो एक बार सोनी आ गया तो सोनी के बदले में अब क्या आएगा, शी आएगा, क्या आएगा, प्रोनाउन शी। तो ये आई नॉमिनेटिव केस में तो शी का शी ही रहेगा, शी। बचा क्या, आई के साथ वी वन लाइक, तो शी के साथ लाइक से हो जाएगा। यू कौन पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ देखो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सेज टू सोना, सोना है तो सोना यानी लड़का हुआ, सोनी लड़की है तो सोना लड़का है। तो एक बार सोना यूज़ हो गया, अब इसके बदले में क्या आएगा, ही आएगा सोना के बदले में। अब देखो ये किस केस में है, यू आई सब्जेक्ट है और लाइक क्या है, वर्ब है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट की जगह पे होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जब ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो शी का ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, सॉरी ही का ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो क्या हो जाएगा, हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, आई लाइक हिम। क्लियर, समझ गए यहाँ तक। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, देख चलो अब देखना है हमें कि अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर, कहाँ पे, इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर हमारा सेंटेंस जो होगा वो अगर इंटरोगेटिव टाइप रहा, कैसा रहा, इंटरोगेटिव टाइप का अगर सेंटेंस आ गया, इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस, ये सेंटेंस कहाँ यूज़ होगा, इन्वर्टेड कामा के अंदर, डायरेक्ट स्पीच के इन्वर्टेड कामा के अंदर, यानी रिपोर्टेड स्पीच में। तब देखो तब क्या होगा, तब हमारा जो से या टेल था, से हो या सेज हो या टेल हो या टेल्स हो, वो किस में बदल जाएगा, आस्क में बदल जाता है। क्लियर, उसके बाद जो इन्वर्टेड कामा था उस इन्वर्टेड कामा के बदले में, इन्वर्टेड कामा के बदले में इफ़ किसका यूज़ करेंगे, इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे, इफ़ या वेदर का। अब देखो सेंटेंस हमारा कैसा होगा, इंटरोगेटिव होगा, सेंटेंस जो इंटरोगेटिव होगा उसको असर्टिव में, उसको असर्टिव में चेंज कर देंगे, किस में चेंज करेंगे, असर्टिव में। जैसे देखो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एग्जांपल की अगर बात करें, जैसे ही सेज टू मी, ही सेज टू मी इज सोनी योर फ्रेंड, ये क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन हुआ ना। तो आप देखिए ये कैसे बनेगा, क्या इंटरोगेटिव हो गया, ये इंटरोगेटिव टाइप है। जब ये इंटरोगेटिव है तो क्या हो जाएगा, ही सेज के बदले में आस्क, यहाँ एस लगा हुआ तो यहाँ भी एस लग जाएगा, ही आस्क से टू हट जाता है, बचा क्या, मी आ जाता है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बदले में इफ़ या वेदर ले सकते हैं, तो छोटा इफ़ है, इफ़ ही ले लिए, इफ़। अब क्या है, सोनी, सोनी, सोनी कौन सा पर्सन, सेकंड, थर्ड पर्सन, सोनी नाम है तो सोनी का सोनी ही रह जाएगा, इफ़ सोनी सोनी। उसके बाद अब क्या करना है, इसको इसको असर्टिव बनाने बोला ना, तो इज सोनी है तो इंटरोगेटिव है, सोनी इज रहेगा तो क्या होगा, असर्टिव हो जाएगा, सोनी इफ़ सोनी इज योर सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, ऑब्जेक्ट मी है, योर हमारा पजेसिव केस में, तो मी का पजेसिव केस माई, इफ सोनी इज माई क्या बचा, फ्रेंड। क्लियर, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। क्लियर, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, सोनी सेज टू हिम, सोनी सेज टू हिम क्या, कि डू यू नॉट लाइक मी, डू यू नॉट क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, डू यू नॉट लाइक मी। अब देखो तो क्या हो जाएगा, सोनी सेज को आस्क में बदलो, एस लगा दो, टू हट गया तो क्या बचा, हिम बचा, आस्क हिम क्या बचा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में इफ़ ले लिए, डू यू नॉट लाइक मी। तो ये क्या है, इंटरोगेटिव है, इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो देखो डू यहाँ आ जाएगा, यू यहाँ आ जाएगा। क्लियर, तो क्या हो गया, यू पहले आ जाएगा, तो यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, हिम। अब देखो यू किस केस में है, नॉमिनेटिव, तो हिम का नॉमिनेटिव केस ही, तो यू के साथ डू लगता है तो ही के साथ डज लगेगा, नॉट का नॉट ही रहेगा,
और लाइक का लाइक ही रहेगा। मी फर्स्ट पर्सन, मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा? सोनी, सोनी का एक बार सोनी लिख चुके हैं, सोनी का शी आएगा, क्या आएगा? शी। अब ये देखो किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हल हो जाता, क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? देखिए यहाँ तक समझ गए। इसी तरह से अब देखेंगे हम लोग कि अगर डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन रहा, कैसा रहा? डब्ल्यू एच टाइप यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर कोई डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करेंगे? तो देखिए तब कहता है कि तब से या टेल को आस्क में ही बदलेंगे, क्योंकि ये भी इंटरोगेटिव है ना। लेकिन बचा क्या हमारा? इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा के बदले में जो डब्ल्यू एच वर्ड यूज़ होगा वही आ जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड ही आ जाएगा, ठीक है। बाकी सेंटेंस हमारा कैसा होगा? इंटरोगेटिव होगा, तो उसको उसको असर्टिव में चेंज कर देंगे। उसको किस में चेंज करेंगे? असर्टिव में चेंज कर देंगे। क्लियर? अब देखिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल शी सेज टू मी, शी सेज टू मी वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। ये हो गया डब्ल्यू एच टाइप, कैसा टाइप? डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन हो गया। क्लियर? जब डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन हुआ तो अब क्या करना है? अब देखो इसे चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा? शी सेज को किस में बदलोगे? आज के समय टू हट जाएगा, मी इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या लेंगे? इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डब्ल्यू एच, देखो यही है हमारा डब्ल्यू एच, वेयर, तो मी वेयर। अब ये क्या करना है? आर यू गोइंग कौन सा टाइप में हुआ? इंटरोगेटिव में, तो इसको असर्टिव में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? यू आर गोइंग, तो यू पहले आ जाएगा। यू कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है जी? मी। और यू कौन सा केस में है? नॉमिनेटिव केस में, तो मी का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, वेयर आई। उसके बाद यू के साथ आर लगा था, तो आई के साथ क्या लगता है बाबू? एम लगता है, वेयर आई एम। बचा क्या? गोइंग, वेयर आई एम गोइंग। क्लियर? यहाँ तक समझ गए? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए चलिए, अब जितना भी अब तक जितने भी एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा, तो टोटल के टोटल एग्जांपल्स में ओनली आप देखे होंगे गौर से, तो सिर्फ पर्सन बदला है। क्या बदला है? लेकिन हमने पहले ही कहा कि इनडायरेक्ट स्पीच में पर्सन भी बदलता है ना, और टेंस भी बदलता है, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदलता है। तो लेकिन अब तक क्या बदला था? अब तक पर्सन बदला था केवल, लेकिन अब जो है अब क्या बदलेगा? पर्सन भी बदलेगा, टेंस भी बदलेगा, और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदलेगा, है ना। यानी अब वो स्टेज आने वाला है नरेशन में कि जो हमें हर वो कदम फूक फूक कर उठाना होगा, है ना। जैसे देखिए कब बदलेगा, कहता है के, कहता है कि इफ इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, देन, देन देखिए क्या होगा, देन। अब देखिए यहाँ हमें शॉर्टकट में समझना है एकदम अच्छी तरह से, क्या है? कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो तब क्या होगा? देखिए देखिए अब तक जितने भी एग्जांपल्स देखे उस उन सब में देखिए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, यानी लगभग में सेज या से लगा होगा। क्या लगा होगा? सेज या से, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस में हुआ। लेकिन अब जो है देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, कहता है इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब क्या होगा? तब देखिए जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का
यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर जो टेंस है वो सब टेंस बदलने लगेंगे, जो अदर पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी बदल सकते हैं, बाकी पर्सन तो पहले से ही बदलता है। पर्सन में कोई टेंस रिपोर्टिंग वो हमारा प्रेजेंट टेंस में हो या पास्ट टेंस में हो, पर्सन हमेशा बदलता है, लेकिन टेंस कब बदलेगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में हो। अब तक जो था वो किस में था, प्रेजेंट में था, इसीलिए टेंस नहीं बदला था, ओनली पर्सन बदला था। एक और बात, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद या प्रेजेंट कोई भी टेंस वो बदलता नहीं है। कब बदलता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में हो, तो फिर इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय टेंस को हमें बदलना पड़ता है। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होगा तब देखिए क्या होगा, तब जो है अगर डायरेक्ट स्पीच में, एक तरफ लिखते हैं हम लोग कि डायरेक्ट स्पीच, दूसरी तरफ लिख देते हैं इन डायरेक्ट स्पीच, क्या इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होगा तब अगर डायरेक्ट स्पीच में क्या है कि सिंपल प्रेजेंट यूज़ हो गया, इन्वर्टेड कामा के अंदर की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर सिंपल प्रेजेंट यूज़ हो गया तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, सिंपल पास्ट में। अगर डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर क्या यूज़ हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ हो गया है, तब इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। क्लियर, ये ध्यान रहे। वन मिनट, ठीक है। क्या देखा आपने कि जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। इसी तरह अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में अगर सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हुआ हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। इसी तरह अगर डायरेक्ट स्पीच के इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर पास्ट कंटिन्यूअस यूज़ हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर पास्ट परफेक्ट आ गया, कौन आ गया, पास्ट परफेक्ट यूज़ हो गया, तो वो टेंस नहीं बदलता है, यानी वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट ही रहता है, यानी बदलता नहीं है। क्लियर, जो टेंस यानी डायरेक्ट स्पीच में जिस टेंस में है यानी पास्ट परफेक्ट में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, टेंस अनचेंज्ड रहेगा। क्लियर, इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूस ही रहेगा, यानी ये भी टेंस अपरिवर्तित रहता है, अनचेंज्ड रहता है, बदलता नहीं है। बात समझ में आई? देखिए कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 टाइप के टेंस। अब देखिए इसमें क्या था कि एक तरफ पास्ट टेंस था, यानी रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में था, और रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट था, तो इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट, यानी एक तरफ प्रेजेंट पास्ट था, दूसरे तरफ प्रेजेंट था, तो प्रेजेंट के जिस फॉर्म में था पास्ट के उसी फॉर्म में इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया। जैसे सिंपल प्रेजेंट में था तो सिंपल पास्ट में इनडायरेक्ट में बदलना पड़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना पड़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था तो पास्ट परफेक्ट में बदलना पड़ा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना पड़ा। लेकिन अब देखिए डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब तो हमारा पास्ट टेंस में ही है, अब रिपोर्टेड स्पीच में भी यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर भी अब पास्ट टेंस आ रहा है, यानी दोनों तरफ पास्ट टेंस है, बोथ साइड इज, बोथ साइड आर, बोथ साइड इन पास्ट टेंस। किसमें? अगर हम बात करें कि बोथ साइड इन पास्ट टेंस है, यानी बोथ साइड्स आर इन पास्ट टेंस, तब क्या होगा बाबू? तब हो जाता है कि सिंपल पास्ट अगर है तो फिर इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस यूज हुआ, तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। इसी तरह से अगर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है डायरेक्ट स्पीच में तो वो टेंस बदलता नहीं है, अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी है वो भी बदलता नहीं है, वो भी अनचेंज्ड या अपरिवर्तित रहता है। क्लियर? यहाँ तक समझ गए? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। चलो अब देखो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में, सॉरी उसको मिटा दिए थे क्या, डायरेक्ट है स्पीच था ना, और एक तरफ इनडायरेक्ट है स्पीच है ना, तो देखिए अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और डायरेक्ट स्पीच में अगर इज आ गया, एम आ गया या आर आ गया तो वो वॉज में या वर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? वॉज या वर में बदल जाएगा। उसी तरह वॉज या वर है तो हैड बिन में बदल जाता है, इसी तरह से हैज़ या हैव है तो वो हैड में बदल जाता है। क्लियर? इसी तरह कैन है तो कुड में बदल जाएगा, शैल है तो शुड में बदल जाता है, विल है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वुड बन जाएगा, और क्या है, मे है तो इनडायरेक्ट स्पीच में माइट बन जाता है। क्लियर? मे है तो क्या बन जाएगा? माइट बन जाएगा, है ना। बाकी कुड वगैरह अगर रहा तो ये बदलता नहीं है, कुड है तो कुड ही रहेगा, कुड है तो कुड ही रहेगा, अनचेंज्ड रहता है। क्लियर? यहाँ तक समझ गए? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नहीं ना। आप देखो कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई नियरर डिनोटिंग वर्ड यूज़ हुआ हो तो वो फर्दर डिनोटिंग वर्ड में यूज़ हो जाएगा, यानी निकट सूचक शब्द अगर आया है डायरेक्ट स्पीच के इन्वर्टेड कामा के अंदर तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो दूरी सूचक शब्द में बदल जाता है। जैसे मान लो बोलता है लोग टुडे, क्या बोलता है? टुडे, तो ये टुमारो में, सॉरी टुडे को दैट डे में बदल जाएगा, ठीक है। और अगर कोई बोलता है टुमारो, ये द नेक्स्ट डे में बदल जाएगा, ठीक है। इसी तरह कोई बोलता है यस्टरडे तो वो द द प्रीवियस डे में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? प्रीवियस डे में बदल जाता है। क्लियर? इसी तरह अगर नाव है, इसी तरह अगर नाव है तो वो देन में बदल जाएगा, दस है तो सो में बदल जाएगा, हेयर है
तो देयर में बदल जाएगा, हैंड्स है तो देंस में बदल जाएगा। क्लियर? इस तरह से नज़दीक सूचक शब्द दूरी सूचक शब्द में बदल जाता है, यानी निकट सूचक शब्द दूरी सूचक शब्द में बदल जाता है। अच्छा, ये बदलता कब है? जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में होगा तभी, अदरवाइज नहीं बदलता है। जो जहाँ है वो वहीं रहता है। क्लियर? चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए, अब तक हम लोग असर्टिव टाइप सेंटेंस देखे थे और इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस देखे थे। अब जो बात करेंगे हम लोग वो बात करेंगे कि इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर कोई इम्परेटिव सेंटेंस आ गया, कौन आ गया? इम्परेटिव सेंटेंस, तब क्या होगा। ये असल में ये स्पेशल रूल में आता है ये सब, है ना। अब जो पढ़ने जा रहे हैं तो ये स्पेशल रूल्स हुआ। अब देखिए, जब इम्परेटिव सेंटेंस होगा तब क्या होगा? तब हो जाएगा जैसे एग्जांपल, पहले देख लीजिए, सेड या सेड या टोल्ड को, सेड या, चलिए सेड को, सेड को ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड या आस्क्ड एट्सेट्रा में बदल देते हैं, ठीक है। और जो बचा हमारा कौन? इन्वर्टेड कामा बचा बाबू। इन्वर्टेड कामा के बदले में टू या नॉट टू का यूज़ करते हैं, टू या नॉट टू का यूज़ करते हैं। क्लियर? बाकी सब सेम रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, क्या क्या कहा? सेट डाउन, सेट। ये देखो, ये जो सेंटेंस है यही सेंटेंस हमारा इम्परेटिव कहलाया। क्या कहलाया? इम्परेटिव सेंटेंस, सिट डाउन। तो अब ये कैसा बनेगा? ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है? तो ही सेट को बदल देंगे ऑर्डर्ड में, देखेंगे ये सेंटेंस किस सेंस का है, ठीक है। तो ही ऑर्डर्ड, टू हट जाता है, मी हो जाएगा, इन्वर्टेड कामा के बदले में टू लेंगे, नॉट टू, जब निगेटिव होगा ये तब नॉट टू लेंगे, ठीक। अभी निगेटिव नहीं है इसीलिए टू लेंगे। उसके बाद बचा क्या? जो भी है वो आ जाएगा, सीट डाउन। अच्छा, कहा जाता है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ही सेड ब्रिंग अ चेयर, एक कुर्सी लाओ। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ही सेड को ऑर्डर्ड होगा, है ना। मतलब जनरली अगर कोई ऑर्डर किया तो ऑर्डर्ड, अगर कोई ऐसे जनरल भाई कहा, बाप कहा लाने के लिए, तब वहाँ पर हम लोग ऑर्डर नहीं बोल करके आज के डे भी बोलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट तो नहीं है, कहता है कि डायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट हो या ना हो, अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई इम्परेटिव सेंटेंस यूज़ हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आप अपने तरफ से लगा दें। मान लीजिए अभी हम यहाँ मी माने थे, यहाँ भी मी ही ले लेते हैं, मी, ही ऑर्डर्ड मी, बचा क्या? इन्वर्टेड कामा के बदले में टू, बाकी क्या है? ब्रिंग, तो ब्रिंग का ब्रिंग ही रहेगा, आ चेयर, ब्रिंग अ चेयर, ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग अ चेयर। क्लियर? ये समझ गए। एक एडवाइस से भी ले लीजिए, शी सेड टू मी हेल्प योर पेरेंट्स, माँ बाप की मदद करो, हेल्प योर पेरेंट्स, ये इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए कैसा है, एडवाइस टाइप का है, तो हो जाएगा शी सेड के बदले में एडवाइज्ड मी आ गया, इन्वर्टेड कामा के बदले में टू आ गया, क्या है? हेल्प का हेल्प ही रहेगा, बाकी जो है। अब ये योर कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट, सॉरी, योर सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मी, तो मी का क्या हो जाएगा? ये किस केस में है? पजेसिव केस में है, तो मी का पजेसिव केस माई, क्या बचा? पेरेंट्स, ही शी एडवाइज मी टू हेल्प माई पेरेंट्स। क्लियर? ये हो गया। अब देखो नॉट टू कहाँ लगता है, एक एग्जाम्पल देख लो नॉट टू वाला भी,
ही सेड टू हिम, ही सेड टू हिम डोंट रन इन द सन, धूप में मत दौड़ो। ही सेड टू, वह उससे कहा कि धूप में मत दौड़ो। तो क्या हो जाएगा देखो अब, ही आज के कहा हो गया, ही आज के टू हट गया, हिम मना किया ना, ये निगेटिव हो गया ना डोंट। अब ये डोंट हट जाएगा यहाँ पे नॉट टू लग जाएगा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में, नॉट टू अब ये हट गया, बचा क्या, रन इन द सन, इन द ही आस्क्ड हिम नॉट टू रन इन द सन। क्लियर, यहाँ तक समझ गए? ये कहलाता है इम्परेटिव निगेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? इम्परेटिव निगेटिव। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस में ही अगर इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद लेट, किसे, लेट से अगर शुरू होता है इम्परेटिव सेंटेंस तो क्या होगा, जैसे देखो ही सेड लेट्स या लेटस है ना, लेटस डांस, हम लोग नाचते हैं डांस करते हैं, तो क्या हो जाएगा ही। अब देखो ये सेट को जब लेट से स्टार्ट होगा तो सेट किस में बदल जाता है, परपोज्ड या सजेस्टेड में बदल जाएगा, परपोज्ड या सजेस्टेड में बदल जाएगा। ही सजेस्टेड इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट लेट जो है ये ओमिट हो जाता है, उसके बाद वी या दे सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद इसके बाद फिर शुड का यूज़ होता है, किसका यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे, प्लस ये अस वगैरह चला गया, अस जो है वे ये अस के बदले में वी या दे का यूज़ करेंगे, प्लस शुड और डांस। ही सजेस्टेड दैट वी या दे शुड डांस। क्लियर, ये हो गया। चलिए अब देखो, अब क्या है कि अब इम्परेटिव सेंटेंस भी हम लोग देख लिए, अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आएगा, कौन आएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, तब क्या होगा देखो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आएगा तो जो हमारा सेड होगा वो बदल जाता है किसमें, एक्सक्लामेटरी में बदल जाएगा ब्लेस्ड या कर्स्ड में बदल जाएगा, या एक्सक्लामेटरी में जब, कब एक्सक्लामेटरी, जब ब्लेसिंग की बात हो है ना, ब्लेसिंग की बात हो, या जब कर्स को डिनोट करे, या जब विश को डिनोट करे, तब ये कर्स्ड या विश्ड में बदल जाएगा है ना, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, बाकी सेंटेंस जो एक्सक्लामेटरी रहेगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है वो असर्टिव में बदल जाएगा। ये सब असर्टिव एक्सक्लामेटरी में क्या फ़र्क है, ये आप सेंटेंस डिस्क्रिप्शन में जाकर के सेंटेंस का लिंक फाइंड आउट कीजिए, देखिए निकालिए, उसके बाद वीडियो आपको मिल जाएगा असर्टिव, या प्ले लिस्ट से भी आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है, प्ले लिस्ट में भी डाला हुआ, तो असर्टिव में बदल जाएगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ही से, देखो किसी ने दुआ दिया, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, यही हुआ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो मान लो क्या हो जाएगा, ही ब्लेस्ड, मी लगा दो, ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है तो यहाँ दे दो, नहीं भी दोगे तो चलेगा, ठीक है, यहाँ सेकंड पर्सन इसीलिए देने बोल रहे हैं, ही ब्लेस्ड मी दैट क्या हो जाएगा,
अब ये यू मे यू है ना, तो असर्टिव हो इंट्रोगेटिव सॉरी एक्सक्लामेटरी हो गया। अब यू मे करेंगे तो क्या हो जाएगा, असर्टिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दैट यू पहले आ जाएगा, सेकंड पर्सन यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है मी, तो ये हमारा नॉमिनेटिव केस में, तो मी का नॉमिनेटिव केस आई। अब मे अभी क्या बताए थे, मे अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर मे आया तो इनडायरेक्ट स्पीच में माइट में बदल जाएगा, आई माइट, बचा क्या लिव लॉ, बाकी सब सेम रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। चलिए हो गया ये, इसी तरह से माई फादर सेड, माई फादर सेड टू मी, मे यू गेट, या मे यू डायरेक्ट कर दीजिए सक्सीड, मे यू सक्सीड, तो क्या हो जाएगा देखो, टू मी हटा दो क्या हो जाएगा, ही सॉरी माई फादर विश्ड कर दीजिए दैट, यू का क्या हो जाएगा आई माइट सक्सीड, आई माइट सक्सीड, क्लियर, यहाँ तक समझ गए। चलिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का ही एक, इसको नोट कर लीजिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का ही एक और टाइप आता है, किसका, एक्सक्लामेटरी का ही, एक्सक्लामेटरी का ही एक टाइप आता है, वो कौन है, जो जो जॉय को दिखाएगा, जो सरप्राइज को दिखाता है, जो सोरो को दिखाता है ना, वो तब क्या होगा, तब जो है, तब हो जाता है कि सेड के बदले में, सेड के बदले में एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज हो जाएगा, या सोरो हो जाएगा, है ना, एट्सेट्रा कोई भी हो जाएगा, और इन्वर्टेड कामा के बदले में दैट का यूज़ होगा, है ना, और सेंटेंस जो एक्सक्लामेटरी होगा, एक्सक्लामेटरी होगा, वो जो है असर्टिव में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, असर्टिव में बदल जाएगा, बाकी कोई भी इंटरजेक्शन जैसे अलास हो या हुर्रा हो गया और सब, तो वो जो इंटरजेक्शन वर्ड होगा ये ओमिट हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है, नहीं रहता। जैसे देख लेते हैं एक दो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ही सेड अलास माई कैट इज डेड, माई कैट इज डेड। अब देखो ये अलास जो वर्ड है ये इंटरजेक्शन है, ये अफसोस को दिखाता है, सोरो को, दुख, दुखी को, दुख को दिखाता है। तो किसी ने कहा कि आह मेरा बिल्ली, मेरी बिल्ली जो है मर गई, है ना, तो क्या हो जाएगा, ही सेड के बदले में क्या लिखोगे, एक्सक्लेम्ड विद ले लेंगे, एक्सक्लेम्ड विद, उसके बाद क्या हो जाएगा, अलास सोरो को दिखा रहा है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो कर देंगे, बचा क्या, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट का यूज़ करेंगे, अब क्या बचा, अलास ओमिट हो जाएगा, अब क्या बचा, माई कैट, तो माई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, तो माई पजेसिव केस में ही का पजेसिव केस हिज, उसके बाद क्या हो जाएगा, कैट, हिज कैट, अब क्या बोले थे, इधर अगर फर्स्ट टेंस में है और यहाँ अगर इज एम आर यूज हुआ है तो किस में बदल जाएगा, वॉज वर्ब में, तो क्या हो जाएगा, वॉज डेड, हिज कैट वॉज डेड, अब इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म हो गया, बात समझ में आई। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, she said what a beautiful flower it is, what a beautiful flower it is, अब देखो क्या हो जाएगा, किसी ने खुशी से कहा
तो शी एक्सक्लेम्ड विद क्या होगा, जॉय, खुशी से कहा क्या, व्हाट व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। इसको अगर असर्टिव में चेंज करोगे तो बन जाएगा इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। समझ में आ रही बात ना, इसलिए व्हाट हट जाता है तो क्या हो जाएगा जॉय दैट, यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा इट इज़ के बदले में वॉज हो जाएगा, व्हाट के बदले में वेरी आ जाता है, वेरी बचा क्या, वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। क्लियर, गॉट इट? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई और आंसर यू। क्लियर, अगर आपको इस तरह का वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्लियर।